डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। इसके मुख्य वजह है झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का बयान। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में राज्य के 81 सीटों पर जेवीएम अकेले चुनाव लड़ेगा और अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। हमने देखा कि जो बड़े दल है तो लोग बहुत इम्पैक्ट नहीं ले रहे थे, तो फिर हमें लगा कि भाई लोग तो बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, बागधारा की कमाई है, तो उसको भी गुनाह करके लोग हमारे जैसे जो दल है हम लोग पूरे बिहार ही मजदूरी करते हैं। अगर जनता के लिए हम जाएंगे और चुपचाप हम रहेंगे तो फिर जनता हमें नकार देगी। तो फिर लगा कि ये बड़े दल कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमको लगा कि नहीं जनता के बीच आना चाहिए और तो हम जनता के उन्होंने हमसे इतना ही पूछ रहे थे कि भाई हम लोगों का तो हो गया गठबंधन, ये बता रहे थे कि आप और किसी से कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, मैं तो किसी से हमारी पार्टी में ठीक है कई कार्यकर्ता होंगे, इससे करो उससे करो, ये सब लोगों की इच्छाएं हैं, हम उसको यानी करते, लेकिन पार्टी ने हमको अधिकृत भी किया था कि नहीं आपको दे, तो हमने उनको कह दिया कि बाबा गठबंधन हम करेंगे। जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद झारखंड विकास मोर्चा संभवतः 8 नवंबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है। इस बात की चर्चा होते ही महागठबंधन की बात करने वालों के बीच कानाफूसी भी होने लगी है। कुछ नेताओं का कहना है कि महागठबंधन में जेवीएम को शामिल करने को लेकर बाबूलाल जी को मना लिया जाएगा। वहीं बाबूलाल जी ने साफ कहा है कि महागठबंधन को लेकर जो बात करनी थी उसमें काफी विलंब हो गया है, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, ऐसे में कम समय रह गया है, कई और वजह भी हैं, इसलिए जेवीएम 81 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। बाबूलाल के निर्देश पर चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी छवि भी साफ सुथरी रही है, लोगों के बीच बाबूलाल मरांडी लोकप्रिय भी हैं। वहीं पूर्व में जेबीएम पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर कई प्रत्याशी विधायक भी बने, लेकिन मौका परस्त या कहें कि समय की मांग को देखते हुए जेबीएम के विधायकों ने पार्टी बगावत कर दूसरे दलों के दामन थाम लिए। ऐसी कई वजहों के कारण इन तमाम बिंदुओं पर जेबीएम फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है और इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों पर भी गंभीर विचार मंथन किया जा रहा है ताकि मतदाता जेबीएम प्रत्याशी और विचारधारा की ओर आकर्षित हों और क्षेत्र की जनता का मत जेबीएम की पक्ष में तब्दील हो सके। बाबूलाल मरांडी के तेवर और बदलते समीकरण को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेबीएम अकेले चुनाव लड़ने की फैसला कर पार्टी हित को लेकर एक मजबूत कदम बढ़ा रही है, लेकिन महागठबंधन के कमजोर होने के सूरत में फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी के पास 81 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी देने के लिए जुझारू और लोकप्रिय चेहरा नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या जेबीएम अपने दम पर 2019 के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम के साथ राज्य की नेतृत्व करने में सफल हो पाएगी। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण की रिपोर्ट। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।